जो के एनालाइज करने के लिए यू कैन सी अब्दुल बस हेयर रिकॉर्डिंग इज ऑलरेडी देयर, जस्ट गिव मी अ मिनट जी। ओके सो जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास सेम और सोर का जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो सेम जो है वो इवेंट्स को कलेक्ट करता है। इवेंट जब कलेक्ट हो जाते हैं फिर वो उसको आपके हवाले कर देता है कि आप उसको उसको कोरिलेट करता है और कोरिलेटेड इवेंट्स आपके सामने पेश कर देता है। फिर आपका काम यह है कि आप उसमें उसको एनालाइज करें। आपसे मुराद अलर्ट एनालिस्ट का काम है कि उसको एनालाइज करे कि क्या वाकई ये हुआ है या ये कोई गलत गलत इंट्री लॉग में आ गई है। ओके फिर हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास अगर ये तो टेक्नोलॉजी सोर में क्या चीज ऐड की गई कि वहां पे रीसेंट टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया कि क्योंकि हमें पता है कि सिक्योरिटी के लोग हमारे पास कम है और स्पेशली जब एनालिसिस का काम होता है और मॉनिटरिंग का काम होता है तो देन में भी थाउजेंड्स ऑफ अलर्ट्स, तो व्हाई नॉट देयर शुड बी सम सॉफ्टवेयर व्हिच शुड ऑटोमेट दिस प्रोसेस ऑफ एनालिसिस एंड इवन द रिस्पॉन्स। सो दैट इज द रीसेंट पार्ट व्हिच इज एडेड व्हिच इज कॉल्ड द सोर। ये भी आपको बताता चलूं कि ये आपका सॉक जो होता है ये सॉक जो है ये आपका इन हाउस भी हो सकता है, यानी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना सॉक बनाएं, अपना सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बनाएं, या आप इसको आउटसोर्स भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सिस्को का एक प्लेटफॉर्म है जो कि पूरी दुनिया को सॉक की फैसिलिटीज देता है, और भी मौजूद है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। तो वहां पे कौन से प्रोसेसेस होते हैं, वहां पे एनालिसिस के प्रोसेसेस होते हैं, वहां पे कोरिलेशन के प्रोसेसेस होते हैं, वहां पे रिस्पांस के प्रोसेसेस होते हैं। तो ये सारा कुछ सॉकी और सिक्योरिटी एनालिस्ट सिक्योरिटी के लोगों की प्रोफेशनल्स का जिम्मेदारी है। तो ये तो हो गया हमारे प्रीवियस टॉपिक की ब्रीफ सी रीटेक। अब अगर जेंटलमैन हम बात करें, अगर हम बात करें फर्दर तो ओके ये भी हमने कर लिया। यानी अब अगर बिकम ए डिफेंडर, कैसे आप डिफेंडर बन सकते हैं भाई? आपको लाजमी तौर पे इसके लिए कोई ऐसी स्टडी करनी होगी कि आपको सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन स्किल्स नॉलेज अवेलेबल हो। जैसे वन ऑफ द थिंग यू आर डूइंग इज सिस्को सर्टिफाइड साइबर ऑप एसोसिएट कोर्स। सो यू हैव टेकन दिस कोर्स विद दी डेफिनेटली विद दी होप कि टुमारो यू विल बी डूइंग द सर्टिफिकेशन एंड यू विल बिकम समवेयर ए SOC analyst, a cyber security analyst. Then, अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? वो क्या कह रहा है जेंटलमैन? वो कहता है कि इसके आप ये साइबर सिक्योरिटी करें, लेकिन आप दूसरा काम ऑलरेडी कर रहे हैं जिसमें कोई शक की बात नहीं है, एंड दैट इज के यू शुड हैव मोर नॉलेज। नो नॉलेज मीन डिग्री, मे बी अ बैचलर डिग्री और ए मास्टर डिग्री, वट एवर यू वॉन्ट। उसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट है जेंटलमैन कि आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इनहेंस करें, अपनी प्रोग्रामिंग की स्किल्स को इनहेंस करें। और आजकल जिसका दौर कह लें दैट इज पाइथन।
So computer programming is an essential skill for anyone who wishes to pursue a career in cybersecurity. If you have never learned how to program, then Python might be the first language to learn. Ek cheez. Number two, Linux ki skills apni banai. So Linux is widely used in the SOC because most of the servers run on the Linux machines, or most of the tools which we use for attack or for pen testing or for attack or pen testing or analyzing or respond, they are running on Linux machines. For example, मैंने जो दो आपको कहा कि डाउनलोड करो, फॉर एग्जाम्पल आई सेड टू यू अबाउट द सिक्योरिटी यूनियन, सो दिस इज द लिनक्स. इफ आई से यू मेट एक्सप्लॉइटेबल, इफ आई से काली, इफ आई से साइबर ऑप्स वर्क स्टेशन, ऑल ऑफ देम आर लिनक्स बेस्ड मशीन्स. सो बेसिक लिनक्स की नो हाउ, माइंड सेट, स्किल सेट हमें बनाना पड़ेगा. तो क्या मैं समझू कि कहां पे आपकी स्किल सेट मौजूद है? इन दो एरियाज में डिग्री तो आप कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है. वेदर यू आर डूइंग इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ऑल इज गुड. इन दो में मुझे जरा बताएं कि आप कहां पे लाई करते हैं. सर लिनक्स हमने वो किया है, उबंटू हमने पढ़ा था. ठीक है सर, कुछ ना कुछ उसके बेसिक चीजें सर आती हैं सर. चलिए अच्छी बात है. यानी कि अगर आपको ये कहा जाए मिसाल के तौर पे कि फाइल्स को मूव करो, कॉपी करो और नेविगेट करो, किसी भी डेफिनेटली किसी की नहीं डेफिनेटली इसमें लिनक्स में, तो वो आप कर सकते हैं. क्या मैं ये समझूं दिलावेज और सलमान, या ना समझू? नहीं सर, हमने तो लिनक्स को यूज ही नहीं किया बिल्कुल कहीं भी. तो हम थोड़ा सा लिनक्स पे, जो कि इस कोर्स का शायद इतना हिस्सा नहीं है, लेकिन आई विल बी डूइंग सम वर्क विद यू इन लिनक्स. व्हाट अबाउट यू सलमान? यस सर, मैंने काम किया सर, अभी रेड हैट पर भी काम स्टार्ट किया हुआ है. रेड हैट कोई भी हो, लिनक्स, यूबंटू हो, रेड हो, फेडोरा हो, आर्क लिनक्स हो, कोई हमें से फर्क नहीं पड़ता, लिनक्स हो, बस सिंपल इज दिस. तो आपको जो कि नेटवर्क इंजीनियर को जो चीजें चाहिए होती हैं, मैं आपको वो करवा दूंगा. जो नेटवर्क इंजीनियर को लिनक्स बेस्ड स्किल सेट चाहिए होता है, वो मैं आपको करवा दूंगा. ठीक है, ओके. सो दिस इज अबाउट कि जी आप इन साइट्स पे जाकर और इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं अबाउट द जॉब्स, अबाउट दी कि जी फॉर एग्जांपल Indeed.com है, LinkedIn पे है, Glassdoor पे है, USJobs.gov पे है. तो ये कहते हैं जी यहाँ पे काफी जॉब्स आपको नजर आ सकती हैं. इसके अलावा आप इंटर्नशिप करें, आप ये चीजें करेंगे तो आपको फर्दर नॉलेज भी मिल सकता है. सो जेंटलमैन, इसके बाद दिस इज समरी. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर नंबर टू, अ वेरी बेसिक चैप्टर नंबर टू. अब हम आते हैं चैप्टर नंबर थ्री पे. एक्सक्यूज मी सर. जी जी दिलावेज सर, ये अगर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इंटर्नशिप्स करनी हो तो ये कहाँ पे कर सकते हैं हम? इसके दो टास्क हो सकते हैं, क्योंकि अब बाज़ इदारे जो हैं वो सिक्योरिटी वगैरह, मिसाल के तौर पे आपकी यूनिवर्सिटी में दो सेंटर्स हैं जो कि साइबर, एक मेहल एक सेंटर है जो कि साइबर सिक्योरिटी पे काम करता है. तो ऐसे इदारों में, इसके अलावा भी मिसाल को इदारे हैं जहां पे आप साइबर सिक्योरिटी के सेंटर्स गवर्नमेंट ने साइबर सिक्योरिटी में, डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेंटर्स खोले गए हैं जो कि रिसर्च कर रहे हैं. तो यू कैन, आप थोड़ा बहुत नॉलेज हासिल करके यू कैन अप्लाई टू दीज इंस्टीट्यूशंस और दीज सेंटर्स एंड ग्रैब फर्दर. इसके अलावा आपके केपी गवर्नमेंट ने एक अदद सेंटर भी बनाया हुआ है विच इज अबाउट साइबर सिक्योरिटी,
तो हम उसको नेशनल सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, जी नेशनल सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, हम उसको भी विजिट कर सकते हैं और वहां पे भी चेक कर सकते हैं कि हमें कोई इंटर्नशिप की पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं, तो दैट इज नाइस। इसके अलावा आप अपने सिस्को लैब के अंदर भी अगर आप इतना नॉलेज हासिल कर लेते हैं तो आप यहां से भी कुछ डिफिकल्ट टास्क को लेकर, मिसाल के तौर पे आप हमें बेहतरीन किस्म के मैनुअल बना के दें जो रीसेंट, क्योंकि बेसिकली मसला ये है कि साइबर सिक्योरिटी एक इमर्जिंग फील्ड है और जब ये इमर्जिंग फील्ड है तो इसमें कई चीजें हैं जो बुक नहीं एक्सप्लेन करती, वो आपको नेट पे और इधर उधर से कई चीजें और भी मिल जाती हैं और दे आर वेरी, और उनको अगर आप अप्लाई करके और अपने सिस्को के प्लेटफॉर्म को दिखाते हैं तो दे विल आल्सो सर्टिफाई कि यू हैव डन ए इंटर्नशिप इन साइबर सिक्योरिटी एट सिस्को एकेडमी और सिस्को एएससी एट यूटी पेशावर। ठीक हो गया। अब मैं आता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मोस्टली एंड डिवाइसेस पे, इंटरमीडिएट डिवाइसेस पे या जो अटैकिंग टूल्स हैं उनके ऊपर, तौर पर अटैकिंग टूल एक एप्लीकेशन है, उसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है जिसके ऊपर वो मौजूद होगा, अंडरस्टैंडेबल है। मिसाल के तौर पर क्या आप वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट बगैर विंडो के इंस्टॉल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, विंडो पहले करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें रिलेटेड टू सम ऑफ द सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, जैसे विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, ठीक है, हमें आईओ, हम डेफिनेटली बाद में हम आईओएस को भी देखेंगे, यानी सिस्को का ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखेंगे। और आपको पता है कि सिर्फ आईओएस नहीं है, इसके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिस्को यूज कर रहा है। वन ऑफ द प्रिलिमिनरी विच इज बीइंग यूज्ड इज द आईओएस, अदर इज द एनएक्सओएस, अदर इज आईओएस एक्सआर, तो देयर आर एक और भी है, तो तीन चार डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमें इनकी बेसिक नो हाउ होना जरूरी है। इस वजह से लेडीज एंड जेंटलमैन हमारा नेक्स्ट टास्क जो है वो है कि हम विंडोज का, जो कि चैप्टर नंबर 3 है या मॉड्यूल नंबर 3 है, कि हम विंडोज को स्टार्ट करें आज। The Windows operating system. And in the Windows operating system, ladies and gentlemen, the topic which we want to cover is the following. Okay. Okay, so here is the slide and may I make it a little larger. तो सबसे पहला ये कह रहा है कि जेंटलमैन आपको विंडोज की थोड़ी सी हिस्ट्री पता हो। नंबर टू, एक्सप्लेन आर्किटेक्चर एंड ऑपरेशन इसका। नंबर तीन, विंडोज की कॉन्फ़िगरेशन और मॉनिटरिंग के बारे में थोड़ी सी, जैसे इवेंट व्यूअर है वगैरह वगैरह, रजिस्ट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा विंडोज रजिस्ट्री, आपने सुना होगा अबाउट द इवेंट व्यूअर, उसमें आपने सुना होगा कि सिक्योरिटी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, आपने एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में सुना होगा, तो ये चीजें हमें आनी चाहिए। सो लेडीज एंड फाइनली विंडोज की सिक्योरिटी, जैसे विंडोज की फायरवॉल, जैसे विंडोज का फायरवॉल के साथ साथ विंडोज फायरवॉल, विंडोज सिक्योरिटी देखें आपको नजर आ रहा है, तो इफ यू लुक एट द विंडोज सिक्योरिटी, मेनी थिंग्स आर देयर,
लाइक वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, अकाउंट प्रोटेक्शन, फायरवॉल, तो कई चीजें हैं जो एंटीवायरस है, विंडोज एंटीवायरस. सो अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट. तो ये चीजें हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ना चाह रहे हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका ये कोर्स या ये टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसका यानी विंडोज का आगाज जो है वो हुआ डॉस से. शायद आपने सुना भी ना हो, लेकिन डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो के एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था. उसी को बेस बनाते हुए विंडोज ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें उसने कोशिश की कि बैकएंड के ऊपर या नीचे डॉस ही हो और इसके ऊपर कुछ GUI डाल दी जाए, क्योंकि डॉस टोटली CLI बेस्ड है. अभी भी आप कमांड लाइन, although it is not DOS, लेकिन इट वर्क्स समथिंग लाइक DOS. जैसा मैंने बताया कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और वॉज एन ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे कहना चाहिए, दैट द कंप्यूटर यूजेस टू एनेबल डेटा स्टोरेज डिवाइसेस टू रीड एंड राइट फाइल्स. तो बेसिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क होता है वो सिर्फ मैनेजमेंट पे होता है. बेसिक याद रखें कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वो टास्क होता है वो क्या क्या होते हैं. नंबर वन, मेमोरी मैनेजमेंट, रैम की मैनेजमेंट, स्टोरेज की मैनेजमेंट, आईओ डिवाइसेस की मैनेजमेंट, ठीक है ना. तो इसके मुख्तलिफ टास्क हैं. उसमें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बड़ा ही प्रिलिमिनरी CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, मुझे कहना चाहिए, आप कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा. सो दैट वाज हाउ यू कैन प्ले विद ए ऑपरेटिंग सिस्टम. देन डॉस प्रोवाइडेड ए फाइल सिस्टम व्हिच ऑर्गेनाइज फाइल्स इन ए स्पेसिफिक वे ऑन द डिस्क. देन डॉस से माइक्रोसॉफ्ट ने अपना डॉस कहले बनाया और उसका नाम रख दिया एमएस डॉस, यानी माइक्रोसॉफ्ट डॉस, जिसका जो बेसिक आर्किटेक्चर था, बेसिक फंक्शन था, एग्जैक्टली द सेम. यूज ए कमांड लाइन एज एन इंटरफेस फॉर पीपल टू क्रिएट प्रोग्राम्स एंड मैनिपुलेट विद इन द फाइल सिस्टम. डॉस कमांड्स आर शोन इन बोल्ड टेक्स्ट इन ए गिवन कमांड आउटपुट. मैंने एक इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं, जस्ट ये कहना कि मतलब इसमें कमांड थी, जैसे कॉपी, किसी फाइल को कॉपी करना है, मूव करना है, डिलीट करना है, क्रिएट करना है, इन सारी चीजों के लिए आपके पास क्या था, कमांड्स थी. अब तो आप क्लिक से करते हैं ना. सो विद एमएस डॉस द कंप्यूटर हैज अ बेसिक वर्किंग नॉलेज ऑफ एक्सेसिंग द डिस्क ड्राइव एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल डायरेक्टली फ्रॉम द डिस्क एज पार्ट ऑफ द बूट प्रोसेस. ठीक, अर्लियर वर्जन ऑफ विंडोज जो कि 1985 में आया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी लोगों को ऐसे ही कंप्यूटर फोबिया है, कंप्यूटर से डरते हैं, प्लस ऊपर से उनको कमांड्स याद करनी पड़ जाएं, तो दैट्स वेरी डिफिकल्ट. उन्होंने इसके अंदर क्या चीज ऐड कर दी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो एमएस डॉस के ऊपर उन्होंने GUI डाली और उसको नाम दे दिया विंडो 1.0, विंडोज 1.0. फिर ये विंडोज आपको पता है, एटलीस्ट आपने पिछले कई सालों में देखा होगा कि इसके बहुत से फ्लेवर्स आए विंडोज 1.0 के बाद जो 85 में था. वेल नोन अगर एग्जांपल आपको मैं दूं तो विंडो 95, फिर विंडो 98, फिर विंडो मी, फिर विंडो XP, फिर विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, समथिंग लाइक दिस. ये तो मैंने आपको वर्क स्टेशन की फैमिली बताई. इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो इनकी सर्वर की भी फैमिली मौजूद थी, ऑल्दो शुरू में इनके सर्वर्स स्पेशली इवन इनके वर्क स्टेशन भी इतने ज्यादा रिलायबल नहीं थे,
यानी चंद घंटे के बाद मोस्टली इनको एक अपडेट, मतलब अभी भी आपने देखा होगा कि विंडो की मशीन में जब भी कोई मसला आए आसान तरीका है रिबूट कर दो, आसान तरीका है कि क्या कर दो, रिबूट कर दो। लेकिन स्टेबल सर्वर्स पे ये टूल कह लें या ये ट्रिक कह लें नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? मिसाल के तौर पे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहां पे सर्वर ने काम छोड़ दिया, वो कहता है मुझे बूट करो दोबारा से, रीबूटिंग करो, लाजमी तौर पे जितने भी कनेक्शन उसके साथ बने हुए होंगे वो क्या हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। और 5-10 मिनट जब तक कि वो कंप्यूटर दोबारा से बूट नहीं करता वो लोग सब के सब वेट में रहेंगे। लाजमी तौर पे इस किस्म का नेटवर्क कोई भी पसंद नहीं करता। इस वजह से इवन एक वक्त था कि जिस तरह आज आप जीमेल बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं वो याहू भी इस्तेमाल कर रहे हो, इस तरह हॉटमेल भी अभी भी है, लेकिन मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जिनके पास अभी हॉटमेल है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हॉटमेल माइक्रोसॉफ्ट का है, जीमेल गूगल का है। और मजे की बात यह थी कि इनका जो ईमेल सर्वर था डेट वॉज स्टिल ऑन लिनक्स मशीन, यूनिक्स मशीन, ऑन ए यूनिक्स मशीन, क्योंकि विंडोज इस काबिल नहीं था कि एक वर्ल्ड वाइड ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। तो इनके सर्वर्स में भी मैंने बताया कि क्यों इन्हें मसला था। मसला इस वजह से था कि आपको ये पता है कि अगर आप एक पूरी लेट करें 10 पेजेस की फाइल टाइप कर दें, जस्ट टाइपिंग, तो उसकी साइज चंद किलो से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसमें एक पिक्चर डाल दें तो वो उसका साइज मेगाज में चला जाएगा, यानी कई गुना बढ़ जाएगा। तो हुआ यही कि जब इन्होंने कोशिश की कि गुई डालें, तो गुई डालने से इसका साइज इतना बढ़ गया कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज इनको प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर सकती, बहुत हैवी थी। जबकि इनके मुकाबले में जो यूनिक्स के मशीन्स थी दे वर टोटली एट दैट टाइम सीएलआई बेस्ड, दे वर मोर एफिशिएंट। हाँ, मतलब मुझे अभी भी याद है कि व्हेन आई वाज इन पीटीसीएल, सो आई वाज यूज्ड टू वर्क ऑन, आई हैव वर्कड ऑन सीमेंस मशीन, आई हैव वर्कड ऑन द अल्कैटेल मशीन्स, एंड आई हैव वर्कड ऑन द एरिक्सन मशीन्स, एंड ऑल ऑफ देम वर बेस्ड अपॉन यूनिक्स। सबसे पहले चाइनीज ने इसको सीरियस काम की तरफ लेकर आने की कोशिश की, और उन्होंने एंटी टेक्नोलॉजी जो कि न्यू टेक्नोलॉजी थी, न्यू टेक्नोलॉजी थी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, उस पे अपने सर्वर्स को डाला, और लोगों को की जो स्किल थी उसकी जरूरत कम कर दी। भाई जैसे आप विंडोज में देखें ना, एक दसवीं का बच्चा, दसवीं तो क्या, आजकल चौथी पांचवीं का बच्चा भी जो है विंडोज बड़ी आराम से इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इट इज इजी टू यूज। इसके मुकाबले में जो यूनिक्स मशीन्स थी, लिनक्स मशीन थी, सोलारिस मशीन्स थी, एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं इस्तेमाल कर सकता। लेकिन क्योंकि साइज कम था और प्रोफेशनल तरीके से बना हुआ था, जैसे यूनिक्स केम फ्रॉम AT&T, लिनक्स केम फ्रॉम मेनी डेवलपर्स अराउंड द वर्ल्ड, इसलिए दे आर मोर स्टेबल। और आज भी ज्यादातर अगर आप SOC में चले जाएं या किसी भी इंटरप्राइज में चले जाएं, मोस्ट ऑफ द सर्वर यू विल फाइंड ऑन लिनक्स मशीन। लेकिन इस वक्त मैं लिनक्स पे काम नहीं करना चाह रहा क्योंकि मेरा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक ब्रीफ कर दिया कि हाउ यूर विंडोज का काम चला। तो कहता है टू एक्सपीरियंस अ लिटल ऑफ MS-DOS, ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट बाय यूजिंग CMD इन दी कम, आप बार बार मैं करता रहा हूँ, कोई मसला नहीं है कि आप सर्च में CMD लिखें और जो आपके पास ये विंडो आ जाएगी कमांड लाइन इंटरफेस, यहाँ ये दिस वॉज समवट लाइक ए MS-DOS, बट इट इज नॉट MS-DOS नो मोर।
आप यहाँ पे कुछ आपको टास्क दे रहा है और मैं आपके साथ क्योंकि विंडोज में मैं उम्मीद करता हूँ कि बेसिक एटलीस्ट ये काम आपने देखे हुए हैं, तो मैं आपको कुछ होम टास्क दूंगा जिसमें आपको एक डॉक्यूमेंट दी जाएगी कि आप उसको रीड करके और कोशिश करें कि उसको, मिसाल के तौर पे अगर मैं देखें यहाँ पे DIR लिखता हूँ, मतलब अगर मैं ये काम करूँ तो इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, लेकिन फिर भी अगर कोई इशू हो तो यस दिस इज नॉट वेस्टेज देन, दिस इज इम्पॉर्टेंट देन। तो मिसाल के तौर पे इफ आई राइट हियर DIR, तो देखें जितनी भी डायरेक्टरीज मेरे, जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरीज मेरे फोल्डर के अंदर हैं, एहसानुल हक के फोल्डर में हैं, वो मुझे सारी दिखाई दे दी, किस तारीख को किस टाइम पे डायरेक्टरी है या फाइल है, अगर डायरेक्टरी है तो साथ DIR लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी फोल्डर है तो उसको डायरेक्टरी कह रहा है ये, और अगर फाइल है जैसे फॉर एग्जांपल अपनी पता नहीं जो भी मैंने नाम रखा है .txt या ये .txt, तो दीज आर दी फाइल्स। तो आपने करना ये होगा जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आपने थोड़ा सा इस सिस्टम के अंदर नेविगेट करना होगा, और अगर कोई मसला हुआ तो डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। कि CD का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे अगर मैं इस फोल्डर से निकलना चाहता हूं इहसानुल हक के, तो व्हाट आई शुड डू, CD... देखें अभी मैं करता हूं, सॉरी मैंने एक साथ गलती से ब्रैकेट लग गई, देखें मैं उससे निकल गया इहसानुल हक से, अब मैं यूजर्स में चला गया हूं। अब अगर मैं यहां पे DIR करूं तो देखें मुझे नजर आ रहा है कि यहां पे एक फोल्डर जो है इहसानुल हक का है, एक डायरेक्टरी जो है पब्लिक है, तो दैट डिपेंड्स, तो चार डायरेक्टरीज हैं कोई फाइल नहीं है। और अगर मैं अब वापस जाना चाहता हूं तो CD इहसानुल हक। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टास्क आपको छोटे छोटे आते हैं। मैं वापस इहसानुल हक में चला गया, तो हाउ वी कैन मूव, अगर आई डू CD root, तो आई डू CD... यहां पे आ गया। अगर मैं दोबारा CD... करता हूं तो मैं रूट पे चला गया, सी पे चला गया। यहां पे भी मैं DIR करके देख सकता हूं कौन सी फाइल्स हैं, तो देखें कोड है, इंटेल है, ब्ला ब्ला, यूजर है, प्रोग्राम फाइल है, VM है, विंडोज है, तो वी कैन प्ले विद दिस। अगर एक डॉक्यूमेंट आपको दे दी जाए तो मैं समझता हूं कि आप एक कुछ एक फोल्डर अपनी मर्जी का बना लीजिएगा, बाय एनी नेम अपने नाम से बना लीजिएगा, और उसके अंदर आप कोई फाइल क्रिएट कीजिएगा, कोई डायरेक्टरी पहले बनाइएगा, और डायरेक्टरी किससे बनती है, MKDIR। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस काम पे मैं ज्यादा टाइम लगाने की बजाय इस पे खुश हूंगा कि आपको मैं एक रिटर्न टास्क दे दूं और टाइम दे दूं कि जी आप लेट करें वीकेंड पे इसको करें, किसी फाइल को कैसे फाइंड करते हैं, डिलीट करते हैं, रीनेम करते हैं, मूव करते हैं, कॉपी करते हैं, ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगी, नॉट अ बिग इशू। जी कुछ बात मेरी पल्ले पड़ रही है? जी सर। गुड, तो मैं कोशिश करूंगा कल सुबह ही आपको ये मटेरियल प्रोवाइड कर दूं कि कल शाम तक आप उसको करके मेरे साथ शाम तक, क्योंकि ऐसे भी छुट्टियां हैं तो आई होप कि आपके पास टाइम होगा, घंटा दो तो का टाइम तो हो गई होगा ना, इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो जैसे देखें ये कह रहा है कि विंडोज ने 1993 में दे हैव बीन मोर देन 20 रिलीजेस ऑफ विंडोज दैट आर बेस्ड अपॉन दी एनटी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग, यानी 1993 के बाद अभी तक तकरीबन 20 रिलीजेस इनको देनी पड़ गई। क्यों? तो स्टेबल नहीं थे, बग्स बहुत थे, फिक्सेस कर बहुत करनी पड़ी,
तो जब भी ये कोई मिसाल तौर पर विंडो 8 के बाद 8.1 आया, यानी कि माइनर चेंज करते थे तो डॉट में दे देते थे, और अगर बिग चेंज करते थे तो नंबर ही चेंज कर देते थे। सो मैनी एडिशन वर बिल्ट स्पेसिफिकली फॉर वर्क स्टेशन, यानी आप यूजर को इन्होंने टारगेट किया, इन्होंने सर्वर्स को भी टारगेट किया, इन्होंने एडवांस सर्वर्स को भी टारगेट किया, इन्होंने डेटा सेंटर सर्वर्स को भी टारगेट किया। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मोस्ट ऑफ देम स्पेशली सर्वर्स यू विल फाइंड ऑन लिनक्स एंड यूनिक्स मशीन्स, लेकिन डेफिनेटली दे आर ट्राइंग कि ये उस मार्केट को ग्रैब करें। सो द 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज एन इंटायरली न्यू आर्किटेक्चर, जिसे अगर मैं आपको सिस्टम इंफॉर्मेशन अपनी दिखाना चाहूं तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे बता रहा है कि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64-bit को सपोर्ट करता है। ये जी X64, इससे पहले इट वॉज 32, तो ये बड़ा जंप था कि नाउ यू प्रोसेस एक वक्त में 64 bits, पहले यू आर प्रोसेसिंग 32 bits, इसको वर्ड भी कहते हैं, पहले इनका वर्ड 32 बिट का था, अब इनका वर्ड 64 वर्ड का है। सो द 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम वाज एन इंटायरली न्यू आर्किटेक्चर, इट हैज ए 64-bit एड्रेस स्पेस इंस्टेड ऑफ 32-bit एड्रेस स्पेस, तो पे जब 64-bit है तो देयर इज द एड्रेस स्पेस उतनी बड़ी होगी, 2 power 64, यू नो। तो 64-bit कंप्यूटर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आर बैकवर्ड कंपैटिबल विद ओल्डर, यानी अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन 32-bit वाली है वो 64-bit पे चलेगी, लेकिन अगर कोई 64 वाली है वो 32 पे नहीं चलेगी। बट दी 64-bit प्रोग्राम कैन नॉट रन ऑन 32-bit आर्किटेक्चर और हार्डवेयर। सो विद द ईच कॉन्सिक्वेंट रिलीज ऑफ विंडोज द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज बिकम मोर रिफाइंड एंड इनकॉर्पोरेटिंग न्यू एंड एडवांस फीचर्स। तो विंडोज लगा रहा है इस काम पे, फिर विंडोज हैज अनाउंस्ड दैट विंडोज 10 इज द लास्ट वर्जन, लेकिन आई एम नॉट एग्रीइंग विद दिस। मैंने बाद जगहों पे देखा है कि विंडो इज गोइंग फॉर विंडो 11, लेकिन यहां पे ये कह रहा है कि विंडो हैज अनाउंस्ड दैट विंडो 10 इज द लास्ट वर्जन, रादर देन परचेजिंग न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर विल जस्ट अपडेट विंडोज 10 इंस्टेड। तो इसके बारे में आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जब मैंने ये चीज यहां से पढ़ी तो बास जगहों पे मैंने देखा कि इवन दे आर गोइंग और दे आर रेडी टू लॉन्च विंडो 11, तो इस बात के ऊपर मैं एग्जैक्ट कुछ नहीं कह सकता, ये चेक करके आपके साथ दोबारा बात कर लूंगा। जी सर, इसकी खबरें हैं विंडोज 11 आएगी अभी। जी बिल्कुल, तो इसलिए मैंने कहा कि ये बात इनकी इस लिहाज से ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से विंडोज के वर्क स्टेशन के लिए और कौन से सर्वर्स के लिए। सो द लेटेस्ट सर्वर जो इनका है दैट इज विंडोज सर्वर 2016, ठीक है। तो इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं, और आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले बदकिस्मती से FBR का सिस्टम जो था वो हैक हो गया था। क्यों हैक हो गया था? कि जो वो ऑपरेट सर्वर यूज कर रहे थे, दैट वाज मोर प्रोबेबली वाज द हाइपर वी सर्वर विच वाज ए विंडोज सर्वर 2016, एंड अनफॉर्चुनेटली इट वाज ए क्रैक्ड वर्जन, इट वाज ए पायरेटेड वर्जन, और पायरेटेड वर्जन दुनिया की बहुत बड़ी FBR इज अ बिग नेम, अर्निंग तो नहीं कहना चाहिए लेकिन गैदरिंग बिलियंस ऑफ रुपीस, और वो इस पे था। और इस वजह से, क्योंकि उसके ऊपर आपको पता है जब क्रैक्ड वर्जन होता है तो फिर क्या होता है, फिर उसके अपडेट्स नहीं होती, उसके जितने भी वल्नरेबिलिटीज होती हैं, जितने भी उसमें वीकनेसेस होती हैं, उनका फिक्स कंपनी यानी माइक्रोसॉफ्ट नहीं देती। जब नहीं थी तो अगले ने उसको एक्सेस कर लिया, उसको तोड़ दिया, उसको डिनाइल। तो अच्छा हुआ सर, क्या ले
ठीक है, तो आगे के लिए उनको मिल गया ना, सबक मिलेगा ना कि भाई जो ये नॉन टेक्निकल लोग होते हैं ये इनका ये बड़ा इशू होता है कि अगर आप इनको समझाएं कि जी जो कुछ आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं तो इनको ये बात समझ में नहीं आती, इनको ये बात समझ में नहीं आती। इस वजह से आपकी बात से मैं एग्री करूंगा कि इनके साथ ठीक हुआ है, अब ये इन चीजों के आईटी पे और इन चीजों पे भी इनके पास गाड़ियां लेने के लिए पैसे हैं, इनके पास और चीजों के लिए फॉरेन ट्रिप्स के लिए हैं, सब के लिए हैं, लेकिन आईटी के लिए नहीं है। तो दिस इज समथिंग जेंटलमैन हियर, सो विंडो हैज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यू नो, सो द GUI हैज ए मेन एरिया दैट इज नोन एज, जो आपको नजर आ रहा है वी कॉल इट अ डेस्कटॉप, वी कॉल इट अ डेस्कटॉप। देन वी हैव ए टास्क बार, और ये भी आप याद रखें कि विंडोज जो आपका डॉस था वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था, विंडोज इज ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आप इसके ऊपर मल्टीपल यूजर्स बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है और उसमें तीन शिफ्टें होती हैं फॉर एग्जांपल, और तीन मुख्तलिफ लोग उस पे शिफ्टों पे काम करते हैं, तो आपको उनको हर एक के लिए अलग अलग कंप्यूटर रखने की जरूरत नहीं है कि आप मॉर्निंग वाला है तो उसके लिए अलग कंप्यूटर लूँ, इवनिंग वाले के लिए अलग लूँ, नाइट वाले के लिए अलग लूँ, भाई वो हर एक को अपना यूजर नेम पासवर्ड देगा और उसका काम शुरू हो जाएगा। तो दिस इज समथिंग गुड, सो इट इज ए विंडो सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स, सो ईच यूजर कैन कस्टमाइज द डेस्कटॉप, हर एक अपना डेस्कटॉप होगा, डेस्कटॉप के मुख्तलिफ उसके ऊपर क्या पड़ेंगे, फोल्डर्स होंगे, शॉर्टकट्स होंगे। तो डेस्कटॉप ऑल्सो मे हैव ए रिसाइकल बिन, मतलब क्या मैं इसकी डिटेल बोलूं, जस्ट अगर मैं आपको ये दिखा दूं तो दिस इज द विंडोज GUI। जिसमें ये आपके डिफरेंट आइकन्स हैं जो कि डिफरेंट फाइल्स को प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, रिसाइकल बिन भी है और नीचे आपको टास्क मैनेजर भी नजर आ रहा है। तो टास्क बार, सॉरी टास्क मैनेजर नहीं, टास्क बार, जिसके एक तरफ क्या है सर्च, फिर साथ क्या है क्विक लॉन्च आइकन्स, और फिर साथ कुछ नोटिफिकेशंस, क्या है सर्च, स्टार्ट मेनू एंड सर्च, दिस इज स्टार्ट मेनू, दिस इज सर्च, दिस इज क्विक लॉन्च आइकन्स, जो ही मिसाल तौर पर इसको क्लिक करता हूं तो ये ओपन हो जाएगा, जब इसको क्लिक करता हूं तो ओपन हो जाएगा, एंड हियर सम ऑफ द नोटिफिकेशंस अबाउट फॉर एग्जांपल अबाउट द speaker, about the network and about the battery and so on. तो यही टास्क बार बता रहा है कि स्टार्ट मेनू, सर्च मेनू, क्विक लॉन्च, नोटिफिकेशंस, सो दिस इज ऑल अबाउट हियर। इसके अलावा आप किसी भी चीज को फर्दर काम करना चाहें तो वेरी इजी टू यूज द राइट क्लिक, तो अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो क्या चीज ओपन हो जाती है, कॉन्टेक्स्ट मेनू, जैसे आपको यहां पे नजर आ रहा है, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूं तो आई गेट ए कॉन्टेक्स्ट मेनू, सो देयर आर कॉन्टेक्स्ट मेनू फॉर द आइकन्स इन द नोटिफिकेशन एरिया, फॉर क्विक लॉन्च आइकन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आइकन, एंड फॉर फाइल्स एंड फोल्डर्स। The context menu provide you कि जो काम भी आप इस फाइल के साथ करना चाहते हैं, मिसाल तो इसको डिलीट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं, इसको रन करना चाहते हैं, yes you can। अब एक टर्म शायद हमने पहले भी पढ़ी है, vulnerability। vulnerability का मतलब होता है weakness। Vulnerability का क्या मतलब होता है, वीकनेस। तो आपको पता है कि स्पेशली जो आपके GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे अल्दो के विंडो से पहले मैक ने कदम रख दिया था
टूवर्ड द GUI, लेकिन जितनी शोहरत कह लें या बदनामी कह लें GUI की वजह से विंडोज को मिली, किसी और को नहीं मिली। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम था इनका, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि 93 से लेके अब तक तकरीबन 27 साल में 20 डिफरेंट वर्जन उनको निकालने पड़े या इससे भी ज्यादा होंगे। तो उसकी वजह क्या थी कि उसमें जो ही वो काम करते थे कोड इतना लंबा था कि मिलियंस ऑफ लाइन का कोड था, उसमें कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई खराबी, वीकनेस रह जाती थी। सो उसको पूरा करना, शायद अगर अभी भी वो 11 में जाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि अभी भी, और अभी भी आप देखते हैं कि दे आर सेंडिंग यू रेगुलरली अपडेट्स। मिसाल के तौर पे इफ यू लुक एट हियर इन विंडोज एंड यू से हियर अपडेट्स, विंडोज की अपडेट्स। सो देखें ये अपडेट मेरे पास आई हुई हैं, पेंडिंग है इंस्टॉल इनका। सो मुझे जब भी टाइम, सिक्योरिटी के, विंडोज सिक्योरिटी इसके बारे में भी आपको अपडेट्स आती रहती हैं, यानी कि फर्दर समथिंग इज कैन बी डन। तो सर विंडोज के मुकाबले में हमारे पास, हम देखते हैं लिनक्स और उनके फिर जो आगे फ्लेवर्स हैं उबंटू वगैरह दूसरे, वो ज़्यादा रिलायबल भी हैं, सिक्योरिटी वाइज भी ज़्यादा बेहतर हैं। तो सर फिर इसको इतनी ज़्यादा पिजेराई मिली है, इतना मशहूर भी हुआ है, तो सर इसकी क्या वजह है? तो हालांकि हम देखते हैं उबंटू भी, तो सर उबंटू भी तो सर उसी तरह यूजर फ्रेंडली है, कोई इतना उसमें डिफरेंस तो नहीं। वो बाद में यूजर फ्रेंडली उनको, उनको मार्केट में अपने आप को रखने के लिए इनिशियल, अगर आप 20 साल, मुझे याद है कि 2000 में आई वाज वर्किंग ऑन सोलारिस एंड देयर वाज नो GUI एट दैट टाइम। तो मैंने जब भी आपको लफ्ज इस्तेमाल किए मैंने, अगर आपने मेरी बात गौर से सुनी हो तो आई सेड कि जितनी शोहरत या बदनामी इसको इसकी वजह से मिली है और कोई नहीं, GUI। GUI ने जो आम बंदा है उसको GUI की वजह से कंप्यूटर हर घर में पहुंचा, वरना अगर ये सोलारिस पे होता, अगर ये पुराने यूनिक्स पे होता, ऑर्डिनरी बंदा नहीं, फिर ये सिर्फ एक्सपर्ट्स की का टूल था। इन्होंने GUI देकर ऑर्डिनरी यूजर का, एक खास यूजर का टूल, बच्चों का टूल भी बना दिया। अब तो देखे ना बच्चे, 10, 5, 6, 7, 8 साल के बच्चे भी जो हैं उनको भी कहा जाता है थोड़ा बहुत कंप्यूटर पे हाथ मारो। तो क्या आपको मेरे सवाल का, आपके अपने सवाल का जवाब आपको मिल गया? ठीक है सर, सही है। ओके, सो व्हाट इज अ वल्नरेबिलिटी? जैसे मैंने पहले भी कहा, वल्नरेबिलिटी इज अ फ्लॉ, वीकनेस। सो वल्नरेबिलिटी इज सम फ्लॉ और वीकनेस दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड, दैट कैन बी यूज्ड by the cyber criminal। और वो क्या हासिल कर सकता है? मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि सिक्योरिटी में जो बेसिक है, दिस इज कॉल्ड CIA ट्रेड, वेयर C स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I स्टैंड फॉर इंटीग्रिटी एंड A स्टैंड फॉर अवेलेबिलिटी। तो बेसिक जो थ्रेट एक्टर है, अटैकर है, हैकर है, जो भी आप नाम दे दें, इसका बेसिक गोल ये होता है कि फाइनेंशियल गेन हासिल करे। लेकिन वो कैसे हासिल करेगा? इन तीन चीजों को, में से किसी एक या एक से ज्यादा को तोड़े। उसके लिए वो हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज पे नजर रखता है। सो टू टेक एडवांटेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटीज, द अटैकर मस्ट यूज द टेक्निक्स to exploit the vulnerability. The attacker can use the vulnerability to get the computer to act in a fashion outside its intended design. जैसे इसको आप के लिए बनाया गया था, उसके अलावा जैसे मैं छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं, विंडोज का एमएस
MS SQL, which is the database, you know, इसके इसमें एक बग था जो कि इसकी मेमोरी को ओवरफ्लो करवाता था, और इस बग को इस्तेमाल करके बहुत से सर्वर्स को एक ही टाइम के ऊपर डाउन कर दिया गया था। तो कहने का मकसद है कि जो वो थ्रेट एक्टर्स हैं वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इसमें, मुझे कोई स्टूडेंट बता रहा था कि हमारे प्रॉब्ली आई किस मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और समथिंग के कई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हैं वो डार्क वेब पे बिक रही हैं। तो इसका मतलब है कि जो थ्रेट एक्टर हैं वो एक पढ़ा लिखा और तेज बंदा है, वो हमेशा ये चेक करता है कि कौन सी वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं जिनको एक्सप्लॉइट करके, यूज करके अपना मकसद हासिल कर सके। सो इन, जैसे मैंने कहा, इन जनरल उसका मकसद क्या होगा, एक्सेस हासिल करें। लाजमी तौर पर उसकी एक्सेस जो होगी वो क्या होगी, अनऑथराइज्ड होगी। और फिर वंस वो एक्सेस हासिल कर ले, उसके बाद उसकी कोशिश होती है कि वो एक्सेस को मेंटेन करे, और मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है, वो बैकलॉग, वो बैक डोर बनाता है अपने लिए, जिससे वो फिर दोबारा भी आ सके, और वो अपने जो राइट्स होते हैं, परमिशंस होती हैं, उनको इंक्रीज करता है ताकि उसको ये कमी ना फील हो कि जी ये कुछ चीज कम है। ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन? यस सर। ओके, अब यहां पे हम बात करना चाह रहे हैं कि द फॉलोइंग टेबल लिस्ट सम कॉमन OS security recommendations. क्या है? Number one recommendation ये है from the Windows perspective, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि you should have a Windows Defender and this Windows Defender should be updated. ये ना हो कि Windows Defender आपने turn off किया हो। अभी भी अगर आप इसको मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिख कर देखें, Windows Defender in here, Windows Defender, here is the Windows Defender firewall with advanced security. तो आपने ये देखा होगा कि ये आपके देखिए ये कहीं disable तो नहीं किया गया हुआ। So हम आगे जाकर इसके ऊपर काम करेंगे कि किस तरह हम Windows Defender को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अननोन और अनमैनेज सर्विसेज, कोई ऐसी सर्विसेज जो कि जिसका कोई सर पांव नहीं है, उनको आप मत चलने दें। कैसे मालूम करेंगे? आर कंट्रोल डेल करें टास्क मैनेजर में, आपको तमाम सर्विसेज, स्पेशली जो बैकग्राउंड में सर्विसेज चल रही हैं, वो भी नजर आ जाएंगी। चेक करें कोई ऐसी सर्विस तो वहां नहीं चल रही जो कि आपने नहीं चलाई हुई। हो सकता है कि वो थ्रेट एक्टर चला रहा हो बैकडोर में पीछे से। नंबर थ्री, इंक्रिप्शन को प्रमोट करें कि आपका डेटा जब भी ट्रांसमिट किया जाए या स्टोर किया जाए वो प्लेन टेक्स्ट में ना हो। किस फॉर्मेट में हो? साइफर टेक्स्ट में। आप इस कोर्स में पढ़ेंगे कि देयर आर डिफरेंट इंक्रिप्शन टेक्निक्स जिनको इस्तेमाल करके, विच में बी सिमेट्रिक, विच में बी एसिमेट्रिक, वो आप यूज करके अपने डेटा को प्रोटेक्ट रखें। नेक्स्ट, अपनी सिक्योरिटी की पॉलिसी को अपडेट रखें। ये नहीं कि आपने 2000 में एक सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई और अभी भी आप कहते हैं हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, अब नए नए अटैक्स आ गए हैं, नए नए सिनेरियोज आ गए हैं, आपको इसके मुताबिक अपनी पॉलिसी री इन्वेंट करनी होगी, और उसके मुताबिक आपने अपने हार्डवेयर को, अपने सिक्योरिटी डिवाइसेस को इंप्लीमेंट करना होगा। एंड देन इज दी यू मे यूज दी फायरवॉल्स। यस, ऑल्दो इतनी डिटेल फायरवॉल की थोड़ी सी है, लेकिन हम कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको पता हैं या जो आप आईटीएन में पढ़ रहे हैं उनको छोड़ के हम फायरवॉल के ऊपर
तवज्जो देना चाहेंगे, स्पेशली सिस्को की जो एएसए है। हम कोशिश क्या, हम इंशाल्लाह उसका इमेज अपने इंजन, अपने न्यू जनरेशन ईवेंजी के ऊपर उसको लगा के, या हम इसके फायरवॉल्स के जो सैंड बॉक्सेस हैं उनको इस्तेमाल करके वी विल बी ट्राइंग टू लर्न लिटिल बेटर। ठीक है, फिर फाइल की परमिशंस के ऊपर आपको काम करना होगा कि ऐसा ना हो कि ऐसी फाइल्स हैं जिनको एक ऑर्डिनरी यूजर को आपने उसकी प्रिविलेजेस दी हो रीड राइट की, फॉर एग्जांपल, या एग्जीक्यूट करने की, उन पे हमें काम करना होगा। हमें हर केस वीक पासवर्ड नहीं रखने, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने हैं, और हम इस पे एक बार एक टास्क भी करेंगे और देखेंगे कि अगर आपका पासवर्ड जितना छोटा और वीक होता है इतनी उसका टूटने का, ब्रेकिंग का, क्रैकिंग का उतना ही जल्दी चांस होता है। इसके अलावा कभी भी एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड से लॉग इन ना करें जब तक की जरूरत ना हो, क्योंकि हो सकता है आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड से इन हो जाएं और कहीं चाय पीने के लिए चले जाएं, किसी दोस्त के साथ चले जाएं, किसी बॉस ने आपको बुला लिया है और आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड से लॉगिन है, फिर कोई भी बंदा बैठ के जो कुछ भी करेगा वो आपके जिम्मे पड़ेगा। इसलिए हमेशा स्टैंडर्ड यूजर के साथ जाएं जब तक कि आपको, क्योंकि हर वक्त आपको एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिविलेज की जरूरत नहीं होती। बात समझ आ गई जेंटलमैन? तो यस सर, आई एम नॉट फीलिंग 100% फ्लू की वजह से थोड़ा सा, तो यहां से मैं इंशाल्लाह कल इस टॉपिक को आगे लेके चलूंगा। आज कुछ लोग भी एब्सेंट, काफी लोग एब्सेंट हैं, तो उनको थोड़ा सा आज मैसेज भी डालेंगे कि जी अगर आपने पढ़ना है तो बी रेगुलर, और नहीं पढ़ना तो फिर बस शुरू में ही डिसाइड कर दें, क्यों अपना टाइम जाया करते हैं। तो आई अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल करें, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो यहीं से इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूं कि टुमारो आई विल बी इन बेटर। फ्लू अपना टाइम थोड़ा सा लेता है लेकिन इंशाल्लाह जल्दी रिकवर हो जाएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल मुझ पर करें, और अगर कोई क्वेश्चन